नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं। लगभग पूरे हरियाणा में हम कवर कर रहे हैं लगातार, लेकिन कई ऐसे पार्षद भी हैं जिनको जनता जनार्दन, उनकी परिवार के लोग, उनके गांव के लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, उनको खड़ा कर रहे हैं, उनके घर आके जबरदस्ती उनको कहते हैं कि आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। ऐसे ये पार्षद हमें उदय सिंह उर्फ मुन्ना है और झज्जर ये इनका जिला है और वार्ड नंबर 15 से आते हैं। तो जनता जनार्दन देख लिए, हम बहु में बैठे हैं, उपस्थित हैं और युवा बुजुर्ग सभी एकजुट यहाँ पे, ये मंदिर प्रांगण है, इसके अंदर हम उपस्थित हैं और लगातार ये अभियान जोरों पे है इनका। और ये कई दिन से हमारे, मैं पूछता आ रहा हूँ कि लोग इनके पास आ रहे हैं, आप खड़ा होइए, पहले ये सरपंच भी रह चुके हैं तो अब क्यों आए। मैं सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ उदय सिंह जी, कि सरपंच रहे आप 5 साल सेवा की, तो पार्षद की जरूरत क्या हुई आपको खड़े होने की, वो भी वार्ड नंबर 15 से। देखिए वार्ड नंबर 15, सबसे पहले तो मुन्ना लांबा जी, मैं आपका और पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू, जो आप हमारे इस कार्यक्रम में हमें प्रोत्साहन देने के लिए आए जी, धन्यवाद करता हूँ। देखिए मैं गांव खानपुर खुर्द में सरपंच बना 2016 में जी। जब मैं गांव का सरपंच बना तो हम 5 उम्मीदवार थे और हमारे गांव में लगभग 2600 वोट पोल हुआ था जी, और जिसमें मेरे अकेले को 1501 वोट दिया और 4 उम्मीदवारों को 1100 वोट दिए मेरे गांव ने। तो मैंने ये उस दिन ये समझा था, धर्म कर्म की नीति मेरी पहले से अच्छी थी, मगर उस दिन मैंने ये समझा कि तेरे अंदर गांव ने कुछ अलग से देखा है, इसलिए अच्छी सेवा की जाए गांव की। तो मैंने निस्वार्थ, बगैर किसी भेदभाव के, हर जाति को साथ लेके और बढ़िया काम किए, हर गांव के सभी विकास कार्य किए। सबसे पहले थी शिक्षा, मैंने शिक्षा सबसे बेहतर गांव की जी, शिक्षण संस्थान का ऐसा बना दिया जैसे मॉडल स्कूल। बच्चों की शिक्षा के लिए कई बच्चे बकवासबाजी करते थे, उन सबको प्रेम भाव से समझा के और एक लाइन पर चला के बच्चों, गांव की आवारागर्दी खत्म, गांव का नशा खत्म और युवाओं को अच्छे रास्ते पर चलाया। उसके बाद क्यों नहीं खड़े हुए फिर दोबारा? हमने सरपंच का इलेक्शन इसे सरपंच गांव ने एक बार बना दिया, सरपंच गांव का सरपंच परिधि कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए, हमें जनता जनार्दन की आवाज। मैंने मेरे इलाके का भी काम किया, मैं गांव का सरपंच होते हैं मेरे इलाके का, अगर मेरे पास कोई भी आदमी चला गया, भाईचारे का सामाजिक काम, किसी कंपनी से काम, मेरे साथ में उद्योग लगे हुए NTPC, CLP, JK सुपर, JK लक्ष्मी, अल्ट्राटेक और वंडर सीमेंट, बहुत उद्योग लगे हुए। मैंने उन उद्योगों से इलाके के लोगों में, हर गांव में किसी में छोटा बड़ा, किसी ने कि जो इलाके के मौजूद आदमी गए, मैंने उनके सबके काम कराए, संभव हो सके जी, किसी बच्चे के रोजगार की बात थी या कोई सामाजिक काम था, मैंने हैंडीकैप्ट बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, हर जगह मैंने जहां जिस मोड़ पर काम की जा सकता समझी इलाके ने, उस मोड़ पर लोगों के साथ खड़ा रहा और निस्वार्थ मैंने लोगों के काम कराए कंपनियों से जी। मुन्नालाल जी, और इसके साथ एक और हुआ, साथ हाँ, एक साथ और हाँ, इसके साथ मातन इल्जादा मुथरापुरी गौशाला का मेरे को प्रधान मंगाया पिछले 2 साल पहले 14 जनवरी को लगभग। उस दिन 14 जनवरी मेरे को प्रधान बनाया गया, तो उस गौशाला में आज मैंने इलाके, मेरे इलाके का और गांव का काम तो किया ही किया, मगर जिस दिन गौशाला का प्रधान बनाया उससे लेके आज तक लगभग उद्योगों ने, मतलब धर्म सेवा में, मेरे कहने अनुसार लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के काम मातानेल गौशाला में की। चलो जी, कई पार्षद ऐसे हैं हरियाणा में सब जगह जिनको गांव के वार्ड का पता नहीं, आपके 15 नंबर के वार्ड के जितने गांव आते हैं फटाफट नाम बता दीजिए, फिर मानेंगे कि वास्तव में बहु, खेड़ा, थरू, खोरड़ा, गोरिया, खानपुर कला, खानपुर खुर्द, जामरी, शेरंगा, ढलानवास, खाचरौली, बिरहोड़, कालियास, 12 के 12 पुर हो गए जी जी। इन गाँव के लोगों को क्या फेस टू फेस जानते हो आप? इन गांव के लोगों को 80% लोगों को मैं फेस टू फेस जानता हूं और लगभग लोगों के जो मेरे विकास मेरे साथ पिछले 7 साल में जब से मैं सरपंच बना, धार्मिक प्रवृत्ति मेरे पास, जानकारी तो मेरी पहले भी थी और इससे पहले मेरे पिताजी 15 साल सरपंच रह चुके गांव के, उसके बाद गांव ने मेरे को सरपंच बनाया। अब गांव की इच्छा के अनुसार गांव ने मेरे को सूरत देखी कि ये लड़का अच्छा है, मेरे अंदर कोई व्यसन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं, जन्म से कोई ये कहता मैंने हुक्का बीड़ी पी, मैंने छोड़ दिया, मेरी उम्र 52 साल के लगभग होगी, मैंने आज तक हुक्का बीड़ी चाय शराब मीट मांस तो बहुत दूर की बात है। और जब मैं घर से निकलता हूँ, जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं मेरी धर्म कर्म की नहीं बताऊं, घर से बाहर निकला
तो हर बहन बेटी को अपनी माता और बेटी के समान मानता हूँ जी। ऐसे पासे बहुत कम मिलते हैं दुनिया में, भाई मुन्ना की, क्योंकि इसलिए भाई उदय सिंह मुन्ना की आपको वोट जनता क्यों दे बारह गाँव, तीन चीज बता दीजिए, क्यों 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 वोट मेरे को जनता। पार्षद बहुत खड़े, आप अकेले ऐसे नहीं है। मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ कि पार्षद तो बहुत है, मगर मैंने जो गांव में काम किया सुचारू रूप से बगैर किसी, आपके गांव में किया, ग्यारह गांव में क्या किया, ग्यारह गांव में किया मैंने। हर गांव के आदमी, जो आदमी मेरे साथ आ गया, मेरे से जिसका संपर्क हो गया, वो मेरे से निराश हो गया, आज तक नहीं गया। पिछले सात साल की हिस्ट्री बता, जब से मैंने राजनीति में कदम टेका है, राजनीति है गाँव की छोटी, एक चौकीदार है, मैंने चौकीदार बन के गाँव की सेवा की और इलाके की सेवा की जी। जब कोई आदमी मेरे पास किसी लक्ष्य को लेके आ गया, वो लक्ष्य मैंने लगभग पूरा करके दिया। खाली पार्षद तक सीमित हो गया, फिर मेरा अगला टारगेट मैं आपको बताता हूँ। सरपंच का इलेक्शन मैंने क्यों नहीं लड़ा, सरपंच का इलेक्शन मैंने इसलिए नहीं लड़ा कि सरपंच गांव ने बना दिया, गांव में मैंने किसी सरपंच ने आज तक प्रदेश में विकास नहीं किया होगा, इतना विकास मैंने मेरे गाँव में करा दिया जी। और ये प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है जी। आप विशेष देख लिए, सबसे बड़ा सबसे मोटी मेन समस्या होती है आज के जमाने में, आज के में सदा से चली आ रही है पीने के पानी की। मैंने 15 किलोमीटर से स्पेशल महेंद्रगढ़ कैनाल से जी पानी की स्पेशल लाइन दबवा के गांव में डबल स्टोरेज टैंक बनवा के, ओवर टैंक सरकार नहीं बनाती, मैंने उद्योगों से रिक्वेस्ट करके ओवर टैंक बनवाया। बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ एक और बता दूं आपको, सरकार ने हर घर को जल हर घर को नल जिस दिन मुहिम चलाई, उससे पहले मैंने गांव को हर घर को जल हर घर को नल और एक समान जल की स्कीम अगर देखिए तो मेरे गांव प्रैक्टिकल में देखिए, जब आप वाल निक खोलेंगे तो जिसका 10 फुट नीचे घर है उसको भी उतना ही पानी मिलता है, 10 फुट ऊपर उसको भी उतना ही मिलता जी। क्या बात है। तो मुझे एक बात बता दी, चलो आप चुनाव लड़ रहे, बहुत अच्छी बात है, आपका अच्छा जनाधार है, लोग आपको प्यार करते हैं बारह गांव में। आपका अभी कुछ लोगों से मैं बातचीत भी कर रहा था, वो कह रहे थे कि हरियाणा में सबसे रिकॉर्ड वोटों से आपकी जीत होगी, तो आप ऐसे क्या करना चाहते हो, मतलब सर पार्षद बन के, पार्षद बन के जिला प्रमुख का आपका पूरा एक एजेंडा है कि जिला प्रमुख बनेंगे, उसके बाद बारह गांव और आपके जितने भी जिले के आते हैं सबके क्या 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 उसका मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट ये है कि मैं गांव की सेवा की, इलाके की, मेरे असंभव सरपंच तो बहुत बनते हैं, मैंने इलाके की भी सेवा की जी। मैं निस्वार्थ होकर उद्योगों से काम करता, पार्षद की कोई विशेष ग्रांट नहीं होती, मगर हमारे पास सबसे बड़ी ग्रांट है ये उद्योग जो पूरे प्रदेश में मतलब अपने सीएसआर के तहत काम करते हैं, इसलिए हम पार्षद बनके और उद्योगों से पूरे 12 के 12 गांव में 15 नंबर वार्ड में सीएसआर के तहत वो बेहतर कार्य करा देंगे इलाके के। मैंने इससे झाड़ली रेलवे फाटक से क्रॉस करके देखा, शेरंगा, ढलानवास, खाचरोली, बिरहोर, कालियास के गांव के रास्ते भी दुर्लभ बढ़िया नहीं है और खेतों के रास्ते तो बहुत दूर है। मेरी इच्छा है कि मैं हर खेत का रास्ता, मेन रास्तों को या तो सरकार से बनवाए अपनी डिमांड उठा के, या इन उद्योगों से अपने सीएसआर के तहत बनाए, इनका बजट बहुत बड़ा होता है जी। तो हमारे साथ ये उदय सिंह उर्फ मुन्ना, 15 नंबर वार्ड जद्दर से, सकीम सपने बहुत लंबे हैं इनके, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, पहले पार्षद क्यों नहीं कर पाए ये तो पता नहीं है, लेकिन सपने इतने बड़े लेके चल रहे हैं कि जापान की तरह प्लास्टिक की सड़कें बनवाऊं मैं इन गांव में, और बन भी सकती है क्योंकि बहुत मोटा पैसा है, इंडस्ट्री एरिया है यहाँ पे। अब इन गांव में क्यों नहीं बन पाया ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में शायद ही मुन्ना पे लोग इतना भरोसा करते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय इनके बहुत अच्छा गुजर। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अभी सिंबल मिला नहीं आपको, सिंबल मिल जाएगा कल आपको, ठीक है, अभी आप जा रहे हैं तो क्या लोग, अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि लोग आपके पास आके कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए, क्या वास्तव में सच्चाई है ये? सच्चाई है। हाँ। इलाके के लोगों ने मेरे को पिछले जिस दिन इलेक्शन की घोषणा हुई, ये जो पंचायत राज का इलेक्शन होना था जनवरी फरवरी 2021 वो पंचायत देरी होती चली गई, इलाके के लोगों ने कहा, भाई गांव के लोगों ने कहा पहले तो भाई सरपंची का इलेक्शन लड़ तैयार है हम तेरे को बनाने के लिए। मैंने कहा भाई सरपंची का इलेक्शन लड़ने की इच्छा नहीं है, तो ये लोग बोले भाई, इलाके के लोग आने लगे, भाई तेरे अंदर हमने कुछ अलग से एक बात दिखाई दे रही है, तू जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ और आने वाले 2029 में आपको विधानसभा में देखना चाहते हैं, इसलिए हम आपके साथ। क्या बात है जी, मुन्ना जी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों से जानेंगे क्यों वोट दोगे मुन्ना को, कारण क्या है, क्यों साथ हम इनके, ये बता दीजिए बस। हम मुन्ना भाई को जिला पार्षद इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पड़ोस में इनका गांव है और इनके गांव में और हमारे गांव में इनका गांव हमारे गांव से आधा भी नहीं है, फिर भी इनकी प्रोग्रेस देखते हैं, इनके रास्ते देखते हैं, इनका हर कुछ देखते हैं। गांव में पानी की सुविधा, अस्पताल में स्वास्थ्य की सुविधा, पशुओं के जानवरों की स्वास्थ्य की सुविधा, हर सुविधा इन्होंने अपने गांव में इतनी बढ़िया और इतनी तेज तरक्की है कि एक छोटा सा गांव होते हुए भी इनको इनका काम देखते हैं तो हमारा दिल इतना खुश होता है कि हमारे भी कोई ऐसा आदमी जो आए किसी भी तरह से विधायक जिला पार्षद कुछ बन के और हमारे गांव में भी कुछ काम अच्छा हो, तो हमने इसलिए इनको वोट देना चाहते हैं क्योंकि हमें और जितने भी जिला पार्षद हैं किसी में कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ ये एक ऐसे आदमी है जो इनमें हमें कुछ दिखाई देता है कि कर कुछ रहे। नाम क्या है जी, नाम बता दीजिए। कहाँ मेरा नाम बन्या सिंह निर्वाण है जी, मैं गांव भवसे हूँ। भवसे जी, नाम क्या है सरपंच साहब आपका? नाम अजय कुमार है, सरपंच ग्राम पंचायत भौजी जी, गांव भव का रहने वाला हूँ और मुन्ना से मेरे पुराने इस परिवार से ही मेरे पुराने संपर्क है। अच्छा, संपर्क है इसलिए वोट दे रहे हैं या फिर कोई अच्छा ही है? संपर्क भी है और इनमें खासियत भी है, मेरे गाँव का या इलाके का कोई भी व्यक्ति इनके पास गया वो निराश होकर नहीं लौटता जी। इन्होंने हर संभव कोशिश करके उसका हर काम करवाने की कोशिश की है। मेरे गर्ल्स स्कूल में भी इन्होंने साइकिल वगैरह प्लांट की मेहरबानी से और इनके सहयोग से बहुगाम में बच्चों को साइकिल वगैरह, लड़कियों को साइकिल वगैरह भी इन्होंने दिलाई जी जी जी। और इनका व्यवहार और परिवारिक, भाई मुन्ना की इनका व्यवहार और पारिवारिक संबंध सबके गाँव के साथ, क्योंकि गाँव खानपुर में बहु में कोई अंतर नहीं है जी। खानपुर के बहू में जाते हैं, बहू के खानपुर में आते हैं। इन्होंने हर संभव कोशिश करके हर व्यक्ति का काम करवाया। इनकी सरपंच की भी शैली देखी और इनके आचार संहिता आचार भी देखे, आचार विचार चरित्र इनका बहुत बढ़िया है, इसलिए हम ग्रामवासी इनको वोट देना पसंद करते हैं जी। थैंक यू, आप ले लीजिए भाई, युवा है आप लीजिए। नाम क्या है आप युवा साथी? मेरा नाम दीपक है। दीपक कहाँ से? भविष्य हूँ जी। क्यों मुन्ना के साथ? इनके अंदर अच्छाई अच्छाई है, बुराई तो कोई है ही नहीं, और जितने भी पार्षद है सब नशे का आपको पता है वो दे रहे हैं। इन्होंने आज तक किसी को वो शराब का नाम भी नहीं लिया कि भी किसी को इनको शराब दी जाए। इन्होंने अपने गांव में इतने विकास कार्य करवा दिए कि वो दूर दूर से लोग देखने आते हैं इनके गांव में जी। अच्छा मुझे ये बताइए, दूर दूर देखने आते, अब चाहते क्या हो, क्या होना चाहिए आपके गाँव में अगर ये जिला पार्षद बनेंगे प्रमुख का इनका टारगेट है तो क्या मतलब? हमारे गाँव में पीने के पानी की समस्या है जो कुछ एरिया में है कुछ एरिया में नहीं है, तो वो इनसे उम्मीद है ये करवा देंगे और कोई नहीं करवा सकता इनके सिवा, क्योंकि पार्षद का बजट नहीं होता है, इनके पास उस चीज का रास्ता पता है इनको, 10,000 रुपया कैसे लिया जाएगा। तो एक बुराई भी बता दीजिए, कोई इनके अंदर बुराई है ही नहीं बताएगा। चलो कोई अच्छी बात है, अगर आगे दे दीजिए भाई जी। उदय सिंह को जी क्यों 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 चाहते हो? उदय सिंह जो ऐसे चाहते हैं, हम भी गाँव में 3 बार सरपंच बना चुके हैं, हमने भी जो कुछ किया गाँव के सहयोग से किया, हमने भी शिक्षा को ध्यान दिया, पानी की समस्या भी हल करने की कोशिश, लेकिन उदय सिंह को नू चाहते हैं। इनकी कार्यशैली में बहुत क्या क्या, क्या कार्यशैली? कार्यशैली है स्वभाव से बढ़िया, काम में रुचि लेते हैं, गरीब है। जाओ अमीर जाओ छत्तीस बिरादरी जाओ, इन्होंने दुरा वो नहीं किया खंडित कोई बात है, इन हर एक बात की इन्होंने अहमियत दी है, इसलिए सुनो भाई जी, इसलिए हम इनके साथ हैं। इनका काम देख के हम भी इसका मैं कति खेत का पड़ोसी भी हूँ। अच्छा हाँ, बहू से मैं फूल सिंह सरपंच एक सरपंच। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने हम सरपंच बने जब भी सहयोग दिया, गांव के कार्यों में भी इनकी अच्छी चलती थी, हमारी थोड़ी ही कम चलती थी, इनके सार हमारा भी दिख गया काम। अब ये बन जाते आपकी आशाओं पे खरे उतरेंगे? खरे उतरेंगे खरे, अरे हम गांव भी खरा उतरेगा, यो भी खरा उतरेगा। अच्छा थैंक यू, पीछे दे दीजिए पीछे। आप युवा साथी हैं? फौजी हैं? अभी छुट्टी आए हुए? नहीं, पेंशन आ रखे हैं। पेंशन आ गए। फौजी सच्चा होता है, देश की सेवा, देश के अंदर भी सेवा, तो सच्चाई के साथ फौजी होता है, तो क्यों उदय मान के साथ, वो उदय सिंह के साथ लगे आप? क्योंकि जब से हम जानते हैं इनके काम को जानते हैं, वैसे तो मुलाकात देखो एक काम से ही बनती है,
हम जानते हैं कि अच्छे नेता हमारे लिए आगे बढ़ेंगे तो भी हमारे जो आने वाला भविष्य है ना, हमारा भविष्य है बिल्कुल गांव के बच्चों का, आस पड़ोस का लगा लो सभी का खराब है, क्योंकि नहीं तो इधर कोई गांव कोई खेलने की सुविधा जी। जितने भी गए मैं पूरे के पूरे हमारे सभी शहरों में गए और गांव में बिल्कुल नहीं है। बहुगाम का एक स्टेडियम ऐसा हो कि आस पड़ोस के बच्चे हमारे मतलब इधर से कामयाब होके निकले और अगर खेलेंगे आगे नाम कमाएंगे, और ये आस हमारे को सरपंच साहब मुन्ना भाई इन्होंने दिखाई देती है क्योंकि इन्होंने अपने काम गांव का उठाए। फौजी साहब आप फौजी हैं, गेम की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हो, बिल्कुल जी, क्या चाहते हो बनने के बाद ये बता दिए, साथ लगे हैं तो आपकी भी कुछ उपेक्षा होगी, ऐसे तो किसी के कोई साथ होता नहीं है, और आप कह रहे हो कि बारू बहुमत से जीतेंगे, तो ये बता दे जीतेंगे क्यों जीतेंगे, जीते देखो, तो सारे गांव साथ थोड़ी है, चलो आपको बहुगांव पूरा साथ है। अभी बता जिन इनका जो विचार है इनके भाव है, हम भी गए हैं, ठीक है, किसी गरीब बच्चे के लिए सदा ये आगे आए हैं सरपंच साहब, और हम भी चाहते हैं कि बनने के बाद में कोई सुने हमारा नेता ऐसा ही हो, अगर किसी किसी के पास जाए सुनते भी नहीं बाद में जी, तो सरपंच साहब मुझे दिखते हैं। एक बात और हमारा वास्ता एक बार पड़ा था, हमने एक हेडपंप लगवाया था नहर के ऊपर पानी पीने के लिए, ओके, खोलडा जो खोलडा से बहुत जो रास्ता आता है तो उसमें नहर महकमे से एसडी होता है, उन्होंने हमारा हेडपंप रोक दिया था, रोकने के बाद हमने कोई रास्ता नहीं दिखा तो सरपंच साहब के पास फोन करा, बोला कि आप अवैध जगह पे किसी पर्सनल कार्य के लिए तो नहीं लगा रहे हैं, हमने बोला नहीं ये आने जाने वालों के लिए सुविधा है क्योंकि इधर मीठा पानी है, पीने के लिए सुविधा नहीं है, कॉलेज के बच्चे भी यहाँ से निकलते हैं, लड़कियां भी निकलती है, पीने के लिए पानी नहीं, पैदल जाते इधर से। सरपंच साहब से एक आवाज निकली, आप है ना काम को शुरू करो, बाकी मैं देख लूंगा इसको। जी क्या बात है, थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ कुछ और लोग, उनकी प्रतिक्रिया जानना जरूरी है क्योंकि हम धूड़ में लठ नहीं मारते। बाबा खड़े हो जाइए, आप खड़े होके बताइए। मैंने को दे आप अगर पैदल चला सके हैं। अच्छा क्यों चला सकते हैं? खासियत ऐसी है। क्या खासियत है? खासियत ये है कि भाइयां भाई है, भाइयां भाई है। अच्छा किसी को काम को लेना चाहिए, अपने गांव के किसी गांव के काम को अच्छा। आप कभी गए हो इनके पास? मैं तो मेरा छोटा ही गणा है। अच्छा कई साल से इनके दौरे रोड हूँ। अच्छा वो भाई ऋण भी रहा। अच्छा पूछो, अरे ये भाई सारा जाने में तो हरियाणा एक कैप्टन रह लिया, सोच रहे मतलब कुछ भी नहीं था। क्या बात है, अपन को भी चला देते, अपन को भी चला देते। जी बता दीजिए जी, कैमरे में सुन रहे हैं, नाम क्या है, कहाँ से आप? खानपुर खुद से सुविधा रामपाल जी। ओके, मैंने सरपंच के दौरान इसको 400 वोट दे करके जताया था, इसने गांव में इतने अच्छे काम किए, बुराई को बिल्कुल दूर किया। और एक समय की बात है, एक समय की बात है, ये प्लांट के साथ से गोरिया को रोड जाता है, वहां एक बच्चे का गोरिया का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया, किसी ने नहीं सोचा, वो एज ए स्पोर्ट बच्चा खत्म हो गया, उसकी बॉडी पर मक्खी लग रही थी, गांव भी आ गया, लोग भी जुड़ गए, और जब ये आया ने इसने देखा सबसे पहले अपना ऐसा चादरा उतार के उस बॉडी को ढकिया, मैं जब ही समझ गया बहुत गुणवान बच्चा है, सरपंच में अच्छा काम किया, आगे कर दिया, अब ये 12 गांवों का काम है। तो युवा साथी है, इनकी सोच भी बड़ी होगी, ऐसा बात नहीं है, कहते हैं मोदी जी भी कि युवाओं का जमाना है और युवाओं के कंधे पे भारत का भविष्य है, तो सब आपको सोच के आए होंगे, ऐसी बात नहीं है, और इनके साथ लगे हैं सरपंच साहब के साथ, मुन्ना के साथ, तो कुछ न कुछ सोच के लगे। उदय सिंह, आपको पता है कि हमारे गांव में भी भाई शिवकार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी हम भाई मुन्ना के कार्यशैली से इतने प्रभावित हुए, ये 5-7-10 भाई मेरे युवा मुन्ना भाई को हमने समर्थन कर दिया। कौन से गांव से? खोरडा से। क्या बात है, चुनाव लड़ रहे आपके गाँव में, कुछ तो दम है, ये बात उदय सिंह का कुछ तो है, क्योंकि जहां चुनाव लड़ रहे हैं वो गांव भी इनके साथ हैं, तो कुछ न कुछ तो बात है, इसलिए आप साथ लगे हैं। क्या खासियत, क्या अच्छाई, तीन अच्छाई बता दो इनकी। बस आप, हमने तो भाई साहब में ये खासियत देखी, जब भाई साहब सरपंच रहते हुए, एक छोटा पद है सरपंच का, जब सरपंच रहते हुए क्षेत्र के 80% लोगों के काम किए हैं, 80% सौ तो मैं नहीं कहूंगा, 80% काम किए हैं भाई साहब ने, तो ये जिला पार्षद बन गए तो मैंने तो न्यू लागे है, सरकार ला देंगे। क्या बात है जी,
थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। शॉर्टकट शब्दों में बताइए मुझे, चाहे बैठे बैठे बता दीजिए, कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे जी अभी जी जी आप ये बताइए क्यों इनके साथ लगे हो, क्यों वोट दोगे, क्या सोच के दोगे? लांबा साहब, पार्षद इस 15 नंबर वार्ड में 6 पार्षद खड़े हुए हैं जी, और बहुगांव से भी पार्षद खड़ा हुआ है, लेकिन बहुगांव का पूरा जन समर्थन 36 बरादरी का मुन्ना उदय सिंह मुन्ना के साथ है। खानपुर से हो? अच्छा, नाम क्या है? जगदीश। अच्छा, अभी काम करते करते आए हो काम छोड़ के? काम छोड़ के। तो क्यों आए काम छोड़ के, किस लिए? अपना काम करते ये मतलब इसमें इतनी अच्छा है और मैं नहीं, इसमें एक खास है देखिए, सबसे बड़ी शिक्षा की, क्या बात? जब से सरपंच बना है जब से इसके शिक्षा बेहतर, लड़कियों का टेस्ट का आधार पेपर होया है उस टाइम योग खड़ा पाया है, क्या बात? अब मैं मतलब जब तक लड़कियां पेपर नहीं हो जाएगा इतना मैं सुकून नहीं छोड़ूंगा। एक तो खूबी ये है, दूसरी गौशाला, धार्मिक विचार, अच्छे विचार, इसलिए हमने जो पसंद आया है। और है तो कई, लेकिन नशा पता हर इंसान में 80% नशा होता है, लेकिन यो शुरू से बचपन से ही कोई नशा का काम जी। ये बताइए, सभी लोग चाहे वो 15 गांव के लोग बैठे हैं लगभग सब समर्थन कर रहे हैं, तो सब वोट लेने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, नेता अभिनेता पार्षद पंच सरपंच, उसके बाद 5 साल वो दिखाई नहीं देते। आप इनकी आशाओं पे कितना खरा उतरेंगे, क्योंकि ये तो आपको जिता चुके हैं, कह रहे कहेंगे 6 पार्षद हैं, सब में हैवी, सबसे अच्छे साफ सुथरे कैंडिडेट आप हो, और आपको ये जीता हुआ मान चुके हैं यहाँ से ये लोग और समर्थन कर चुके हैं। दूसरे गांव में यहाँ 2 पार्षद खड़े हैं और वो लोग आपके इस मंदिर में आके आपका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ तो बात है, कितना खरा उतरोगे इनकी आशाओं पे? मुन्ना जी जी, मतलब मैं वादे, मैंने गांव का सरपंच, मैंने वादे नहीं किया जी, वादा नहीं किया, मैंने कहा था वादा नहीं काम करेंगे, तो वही धारणा मेरी ये है, वादा नहीं काम करेंगे, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैंने गांव में जब काम किया तो इलाके ने मुझे पसंद किया, और इलाका जब पसंद करके चल रहा है तो मैं जैसे गांव में काम किया इसी तरह पर इलाके में काम करूंगा जी। चलते चलते एक बात बता दो, पूरे भारत के नेता अभिनेता पंच सरपंच सब देख रहे हैं, ऐसी क्या जादू की झप्पी पिला दी 15 गांव के लोगों को आपने, आपका गुणगान कर रहे हैं सारा, तो ऐसी क्या गुट्टी पिलाई है, जड़ी बूटी है तो बता दो, वो भी समझ ले। मैंने जड़ी बूटी नहीं पिलाई, तो मैंने मेरे भाव से सेवा की है पिछले 7 साल से लगातार जनता की सेवा, सरपंच बन के और लोग अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, मगर मैं 24 घंटे लोगों के लिए तैयार खड़ा रहा। किसी भाई का झगड़ा होगा, मेरे चौकी और थाने में साल आवास थाना झाड़ली चौकी है, आप जाके मेरे गाँव में 7 अकाउंट का चलान भी नहीं, भाईचारे से समझा के किसी का मुकदमा नहीं होने दिया मैंने, ये सबसे बड़ी जादू की छड़ी। और एक सबसे बड़ा और बता दूं, जनता और आम आदमी कह देते पुलिस चोर होती है, मैंने किसी आज तक किसी पुलिस वाले को किसी भाई का झगड़ा समझौता किसी को 10 रुपए नहीं देने दी, और न किसी ने मांगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की जी। कालियावास से आए, आपके वार्ड में है ये? वार्ड में है जी। अच्छा, क्या कहेंगे, युवा है क्यों? पूरा युवा जो है हमारा वो भाई मुन्ना जी के साथ। क्यों क्यों साथ है? क्यों? एक तो सपोर्ट्स में इंटरेस्ट है बच्चों का, तो इस हिसाब से सभी बच्चे ये कह रहे हैं कि कुछ हमारे लिए भी होगा, और किसी पे कोई हमें आस नहीं है, इन्हीं के ऊपर है, इनकी कार्यशैली को देखकर हम यहाँ आए। क्या बात है जी, कालियावास के लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम यहाँ झज्जर में मौजूद हैं, और झज्जर जिले के 15 नंबर वार्ड में उदय सिंह मेरे साथ बने हुए थे, ये पार्षद हैं उर्फ मुन्ना, 12 गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ आप देख ही रहे तस्वीरों में ये मंदिर प्रांगण है, यहाँ पे इन पे 100% भरोसा जता रहे हैं लोग कि हमेशा ये सुख दुख में साथ रहते हैं, और आने वाले समय में जिला प्रमुख की कुर्सी पर बैठ के कहीं ना कहीं पूरे जिले के साथ साथ 12 गांव का भी उद्धार कर पाएंगे। सरपंच रहते हैं, उन्होंने हजारों विकास कार्य किए हैं, ये तो भविष्य के गर्व भी है। यहाँ 15 नंबर के वार्ड के लोगों ने इनको जिता चुके हैं, भारी समर्थन मिल चुका है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार।